बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दिस इज द सिंबल ऑफ सिग्मा। ये किसका सिंबल है? ये सिग्मा का सिंबल है, यानी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफाइन करते हैं इस रिलेशन से कि सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू एफ आर प्लस 1/2 माइनस एफ आर माइनस 1/2। यहां पे ये आर क्या होता है? ये एक इंटीजर होता है। अब देखो, इसको हम सिंपल फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर यहां हम बोथ साइड आर के साथ 1/2 ऐड करें, यानी देखो यहां पे ये है सिग्मा एफ आर, अब इसके साथ यहां पे 1/2 ऐड करो। यहां देखो ये एफ, ये r प्लस 1/2 यहां पे अपनी जगह पे आ जाएगा और साथ में 1/2 ऐड करो। फिर ये माइनस f, ये r माइनस 1/2 यहां पे अपनी जगह पे आ जाएगा और 1/2 ऐड करो। अब देखो यहां पे ये हो जाएगा सिग्मा f r प्लस 1/2 इज इक्वल टू, देखो यहां पे ये 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा r प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 1 2 2/2 से क्या आता है 1 आता है, और माइनस f, और यहां पे ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, इसे आ जाएगा आर। यानी सिग्मा एफ आर प्लस 1/2 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर का। बोथ रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर इस आर की जगह पे हम 0 फुट करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा एफ 0 प्लस 1/2 से क्या आता है 1/2। फिर देखो 0 प्लस 1 से आ जाएगा 1 माइनस एफ 0, यानी f1 माइनस f0, यानी f1 माइनस f0 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सिग्मा f1 by 2 का। अब देखो r की जगह अगर हम 1 फुट करें तो हो जाएगा सिग्मा f1 प्लस 1/2, LCM लेंगे तो इससे आ जाएगा 3/2 is equal to f1 प्लस 1 2 माइनस f1, यानी f2 माइनस f1 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सिग्मा f3 by 2 का। अब देखो ये जो डिफरेंसेस हम फाइंड कर रहे हैं इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस। फिर जो डिफरेंसेस हम इन डिफरेंसेस से फाइंड करते हैं, यानी जो डिफरेंसेस हम इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस से फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। यानी देखो सिग्मा स्क्वायर एफ आर बराबर होगा सिग्मा इंटू सिग्मा एफ आर, कि सिग्मा को मैंने 2 टाइम लिख दिया, फिर से यही आता है सिग्मा स्क्वायर। अब देखो यहां पे ये है सिग्मा, सिग्मा एफ आर किसके बराबर है? देखो यहां पे एफ आर प्लस 1/2 माइनस एफ आर माइनस 1/2। अब देखो ये सिग्मा इसके साथ भी लिख देंगे और सिग्मा इसके साथ भी लिख देंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ आर प्लस 1/2 माइनस सिग्मा एफ आर माइनस 1/2। अब देखो सिग्मा एफ आर प्लस 1/2 किसके बराबर होगा? यहां पे 1/2 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी इस तरह हो जाएगा कि एफ आर प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस एफ आर प्लस 1/2 माइनस 1/2। देखो ये इससे आ गया और फिर माइनस सिग्मा एफ आर माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा एफ आर माइनस 1/2 प्लस 1/2 फिर माइनस एफ आर माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब देखो यहां पे ये हो जाएगा एफ आर, देखो 1/2 1/2 यानी 2 ऊपर भी 2 नीचे भी, 2 कैंसिल 1 आ गया, माइनस यहां पे 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल तो एफ आर रह गया। अब देखो माइनस यहां पे देखो माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल एफ आर आगे रह गया, और माइनस यहां पे देखो माइनस 1/2 माइनस 1/2 यानी माइनस 2/2 तो ये हो जाएगा एफ आर माइनस 1। अब देखो ये हो जाएगा एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर, ये माइनस एंटर करेंगे तो माइनस एफ आर, और ये हो जाएगा प्लस एफ आर माइनस 1, तो देखो ये जाएगा एफ आर प्लस 1, ये दोनों से आ जाएगा माइनस 2 एफ आर और प्लस एफ आर माइनस 1। अब ये हमने फाइंड किया सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस, यानी जो हम इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस से फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस। फिर इस तरह जो हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस से जो डिफरेंसेस फाइंड करते हैं उनको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस। देखो इसके लिए nth ऑर्डर के लिए हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि सिग्मा एन एफ आर बराबर होगा सिग्मा एन माइनस 1 एफ आर प्लस 1/2 माइनस सिग्मा एन माइनस 1
एफ आर माइनस वन बाई टू, ये जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखो यहां पे टू फुट करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा टू एफ आर इज इक्वल टू टू माइनस वन से आता है, तो सिग्मा एफ आर प्लस वन बाई टू माइनस सिग्मा एफ आर माइनस वन बाई टू। तो देखो यहां पे सिग्मा एफ आर प्लस वन बाई टू माइनस सिग्मा एफ आर माइनस वन बाई टू, इस तरह थ्री के लिए फुट करेंगे तो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, और यहां पे सिग्मा स्क्वायर, यहां पे सिग्मा क्यूब। ठीक है, इस तरह से हम ये एन फॉर्म इसका लिख सकते हैं। अब देखिए, तो हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस हम किस तरह फाइंड करेंगे, सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे, इस तरह nth ऑर्डर के सेंट्रल डिफरेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं सेंट्रल डिफरेंस टेबल की तरफ। यहां पे पहले हम जनरल एक डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। जनरल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करने का फायदा यह होता है कि फिर अगर हमें कोई भी एक पार्टिकुलर एग्जांपल गिवन हो तो उससे हम कोई भी वैल्यू आसानी फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यूज हो, सिग्मा क्यूब की वैल्यूज हो, अगर हमें जनरल डिफरेंस टेबल याद हो। अब देखो यहां पे हम एक जनरल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट सपोज यहां पे हम x की वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, करिस्पॉन्डिंग इसमें हम फंक्शन की वैल्यूज ले रहे हैं। देखो x की वैल्यूज हम ले रहे हैं x नॉट, इसमें करिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f नॉट। इस तरह देखो x1 करिस्पॉन्डिंग इसमें फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f1। इस तरह x2 करिस्पॉन्डिंग इसमें फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f2। इस तरह x3 करिस्पॉन्डिंग इसमें फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f3। इस तरह x4 करिस्पॉन्डिंग इस पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f4। यानी देखो ये क्या है, ये x की वैल्यूज है, करिस्पॉन्डिंग इस पे फंक्शन की वैल्यूज है। अब देखो हमने सेंट्रल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो यहां पे पहले हमने क्या करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस फाइंड करने, यानी पहले ये कॉलम फाइंड करना है। अब ये किस तरह फाइंड करेंगे, देखो पहले हम करेंगे f1 माइनस f0। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि सिग्मा एफ आर प्लस वन बाई टू विल बी इक्वल टू एफ आर प्लस वन माइनस एफ आर। ठीक है, अब देखो पहले हम कर रहे हैं एफ वन माइनस एफ नॉट, तो देखो ये है एफ वन माइनस एफ नॉट, यानी आर की जगह पे क्या है, जीरो है। तो देखो यहां पे हम आर की जगह पे जीरो पुट करेंगे, जीरो प्लस वन बाई टू बराबर होता है वन बाई टू का, यानी F1 माइनस F0 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सिग्मा F1 by 2 का, और इसको यहां पे दरमियान में लिख देंगे कि सिग्मा F1 by 2, यानी F1 माइनस F0 किसके बराबर है, वो बराबर है सिग्मा F1 by 2 का। फिर देखो यहां पे हम करेंगे F2 माइनस F1, यानी देखो यहां पे F2 माइनस F1। अब देखो R की जगह पे क्या है, R की जगह पे है 1, तो ये जाएगा सिग्मा F1 प्लस 1 by 2। अब देखो यहां पे 2 एल सी एम हो जाएगा तो 2 वन जा 2, 2 प्लस 1 3, तो इससे आ जाएगा सिग्मा एफ 3 बाई 2, यानी एफ 2 माइनस एफ 1 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सिग्मा एफ 3 बाई 2 का। तो यहां पे इन दोनों के दरमियान में लिख देंगे सिग्मा एफ 3 बाई 2, यानी एफ 2 माइनस एफ 1 किसके बराबर है, वो बराबर है सिग्मा एफ 3 बाई 2 का। फिर देखो यहां पे एफ 3 माइनस एफ 2 करेंगे, ये है एफ 3 माइनस एफ 2। अब देखो R की जगह पे फिर क्या है, R की जगह पे है 2, तो देखो सिग्मा F2 प्लस 1 बाई 2, 2 LCM लेंगे तो 2 2s are 4, 4 प्लस 1 5, यानी इससे आ जाएगा सिग्मा F5 बाई 2, तो इन दोनों के दरमियान में लिख देंगे सिग्मा F5 बाई 2, यानी F3 माइनस 2 किसके बराबर है, ये बराबर है सिग्मा F5 बाई 2 का। फिर देखो ये है F4 माइनस F3, देखो यहां पे क्या है F4 माइनस एफ थ्री, देखो आर की जगह पे क्या है 3 है, तो ये जाएगा सिग्मा एफ थ्री प्लस 1 बाई 2। देखो 2 LCM हो जाएगा तो 3 आर 6, 6 प्लस 1 7, यानी हो जाएगा सिग्मा एफ 7 बाई 2। तो यहां पे इन दोनों के दरमियान में हम लिख देंगे सिग्मा एफ 7 बाई 2। अब देखो ये है फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस कॉलम। फिर जो इन फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस से हम जो डिफरेंसेस फाइंड करेंगे उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस। अब देखो ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो अभी हमने इससे पहले एक जनरल फार्मूला पढ़ा nth डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए कि सिग्मा n एफ आर प्लस 1 बाई 2 बराबर होगा सिग्मा n माइनस 1 एफ आर प्लस 1 माइनस सिग्मा n माइनस 1 एफ आर। अब देखो सेकंड ऑर्डर के सेंट्रल डिफरेंसेस फाइंड कर रहे हैं तो यहां पे इनकी जगह 2 फुट करेंगे तो जाएगा सिग्मा 2 एफ आर प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 माइनस 1 से आता है 1, तो ये जाएगा सिग्मा एफ आर प्लस 1 माइनस सिग्मा एफ आर।
अब देखो यहां पे सिग्मा एफ थ्री बाई टू माइनस सिग्मा एफ वन बाई टू किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहां पे ये सिग्मा एफ थ्री बाई टू माइनस सिग्मा एफ वन बाई टू। अब देखो आर की जगह पे क्या है, वन बाई टू है, तो जाएगा सिग्मा एफ आर की जगह पे आ जाएगा वन बाई टू, और यहां पे वन बाई टू अपनी जगह पे आ जाएगा। देखो यहां पे वन प्लस वन से आता है टू, टू बाई टू किसके बराबर होता है वन का, तो ऐसे आ जाता है सिग्मा स्क्वायर एफ वन, यानी सिग्मा एफ थ्री बाई टू माइनस सिग्मा एफ वन बाई टू किसके बराबर है, ये बराबर है सिग्मा स्क्वायर एफ वन का। यहां इन दोनों के दरमियान में लिख देंगे। फिर देखो सिग्मा एफ फाइव बाई टू माइनस सिग्मा एफ थ्री बाई टू ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा एफ पाई बाई टू माइनस सिग्मा एफ थ्री बाई टू। अब देखो आर की जगह पे क्या है, आर की जगह पे थ्री बाई टू, तो ये जाएगा सिग्मा स्क्वायर एफ थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू। अब देखो टू एलसीएम, थ्री प्लस वन से आता है फोर, फोर बाई टू बराबर होता है टू का, यानी सिग्मा स्क्वायर एफ टू, यानी सिग्मा एफ फाइव बाई टू माइनस सिग्मा एफ थ्री बाई टू किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर एफ टू का। यहां इन दोनों के दरमियान में लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर एफ टू। फिर देखो यहां पे सिग्मा एफ सेवन बाई टू माइनस सिग्मा एफ फाइव बाई टू ये किसके बराबर हो जाएगा, ये है सिग्मा एफ सेवन बाई टू माइनस सिग्मा एफ पाओ बाई टू। अब देखो आर की जगह पे क्या है, आर की जगह पे पाओ बाई टू, देखो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एफ फाइव बाई टू प्लस वन बाई टू। देखो टू एलसीएम, पाई प्लस वन सिक्स, सिक्स बाई टू किसके बराबर होता है थ्री का, तो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एफ थ्री, या इन दोनों के दरमियान में लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर एफ थ्री। अब ये हो गया सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस कॉलम। फिर जो इन सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस से जो डिफरेंसेस हम फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस। अब देखो ये किस तरह फाइंड करेंगे, अब देखो यहां पे फॉर्मूला गिवन है, यहां एन की जगह हम थ्री फुट करेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा थ्री एफ आर प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू सिग्मा, थ्री माइनस वन से क्या आता है टू, ये हो जाएगा एफ आर प्लस वन माइनस सिग्मा टू एफ आर। अब देखो यहां पे सिग्मा स्क्वायर एफ टू माइनस सिग्मा स्क्वायर एफ वन ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहां पे ये सिग्मा स्क्वायर एफ टू माइनस सिग्मा स्क्वायर एफ वन, आर की जगह पे क्या है वन है, ये हो जाएगा सिग्मा क्यूब एफ वन प्लस वन बाई टू। देखो टू एलसीएम, टू वन जा टू, टू प्लस वन थ्री, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यूब एफ थ्री बाई टू का, यानी इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा सिग्मा क्यूब एफ थ्री बाई टू। फिर देखो यहां पे सिग्मा स्क्वायर एफ थ्री माइनस सिग्मा स्क्वायर एफ टू इससे क्या आ जाएगा, देखो यहां पे हम पुट करेंगे सिग्मा स्क्वायर एफ थ्री माइनस सिग्मा स्क्वायर एफ टू, देखो आर की जगह पे क्या है टू है, यहां पे हम पुट करेंगे सिग्मा क्यूब एफ टू प्लस वन बाई टू, टू टू जार फोर, फोर प्लस वन से क्या आता है फाइव आता है, यानी हो जाएगा सिग्मा क्यूब एफ फाइव बाई टू, तो यहां हो जाएगा सिग्मा क्यूब एफ फाइव बाई टू। अब ये है थर्ड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस कॉलम। इसके बाद हम फाइंड करेंगे फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस कॉलम। देखो यहां एन की जगह हम फोर फुट करेंगे, तो हो जाएगा सिग्मा फोर, यहां ये हो जाएगा सिग्मा थ्री, यहां पे ये हो जाएगा सिग्मा थ्री, देखो यहां पे फाइव बाई टू और थ्री बाई टू, यानी ये है सिग्मा क्यूब एफ फाइव बाई टू माइनस सिग्मा क्यूब एफ थ्री बाई टू। देखो आर की जगह पे थ्री बाई टू, ये हो जाएगा सिग्मा फोर एफ थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू। देखो टू एलसीएम, थ्री प्लस वन जाता है फोर, ये फोर डिवाइड बाई टू से आएगा टू, तो ये जाएगा सिग्मा स्क्वायर एफ टू, तो यहां इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा सिग्मा फोर एफ टू। इस तरह से हम फाइंड करते हैं सेंट्रल डिफरेंस टेबल, और ये वैल्यूज याद रखने क्योंकि इसके जरिए से हम डिफरेंस टेबल से कोई भी वैल्यू आसानी फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने जनरली डिस्कस किया, अब इस पर एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। अभी देखो इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, यहां पे लेट सपोज हम फंक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू पावर एक्स, और एक्स की वैल्यूज ले रहे हैं फ्रॉम जीरो टू सिक्स, और स्टेप साइज उसका रख रहे हैं वन। ठीक है, स्टेप साइज वन का मतलब है कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स के सारे नंबर्स के दरमियान गैप क्या हो, स्टेप साइज क्या हो, वो वन हो। अब देखो यहां पे पहले हमने यहां पे डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो इसके लिए हम यहां पे पहले एक्स की वैल्यूज लिख देंगे और करेस्पॉन्डिंग इस पे फंक्शन की वैल्यूज। अब देखो एक्स की वैल्यूज है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, अब करेस्पॉन्डिंग से फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू पावर जीरो, तो जाता है वन, टू पावर वन
2, 2 power 2, 4, 2 power 3, 8, 2 power 4, 16, 2 power 5, 32, and 2 power 6, 64. अब ये x की वैल्यूज करेस्पॉन्डिंग इसमें फंक्शन की वैल्यूज. अब देखो यहां पे हमने पहले फाइंड करने हैं फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस. किस तरह फाइंड करेंगे? देखो 2 माइनस 1, 1, 4 माइनस 2, 2, 8 माइनस 4, 4, 16 माइनस 8, 8, 32 माइनस 16, 16, एंड 64 माइनस 32, 32. फिर देखो हमने फाइंड करने हैं सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस. इसका भी सेम वही मेथड है. 2 माइनस 1, 1, 4 माइनस 2, 2, 8 माइनस 4, 4, 16 माइनस 8, 8, 32 माइनस 16, 16. फिर देखो हमने फाइंड करने हैं थर्ड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस. किस तरह फाइंड करेंगे? देखो 2 माइनस 1, 1, 4 माइनस 2, 2, 8 माइनस 4, 4, 16 माइनस 8, 8. फिर देखो यहां पे हमने फाइंड करने हैं फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंसेस. देखो 2 माइनस 1, 1, 4 माइनस 2, 2, 8 माइनस 4, 4. अब देखो ये हमने डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया अप टू फोर्थ ऑर्डर. अब लेट्स सपोज यहां पे हमने कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है. लेट्स सपोज सिग्मा 4f2. लेट्स सपोज ये वैल्यू मैंने फाइंड करनी है. अब देखिए हम किस तरह फाइंड करेंगे. पहले तो हम सिग्मा 4 के कॉलम में आ जाएंगे, यानी ये सिग्मा 4f2 वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट हो रही है. अब देखो कहां पे एग्जिस्ट हो रही है और कौन सी वैल्यू है. तो देखो यहां पे हम पहले इनको नाम दे देंगे कि ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, और ये x6 है. इस तरह ये करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है f0, f1, f2, f3, f4, f5 एंड f6. अब देखो यहां पे ये सिग्मा 4f2 वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे. देखो ये f2 है, ये कौन सी वैल्यू है? ये f2 है. तो देखो यहां पे ये जो वैल्यू आ रही है, मतलब ये कौन सी वैल्यू है? ये सिग्मा स्क्वायर f2 है. और फिर जो ये वैल्यू आ रही है ये कौन सी है? ये सिग्मा 4f1 है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट आना है. तो देखो यहां पे ये कौन सी वैल्यू है सिग्मा 4f2? ये वन वैल्यू डिफरेंस टेबल में सिग्मा 4f2 ये वाली वैल्यू है. अब लेट सपोज अगर हमने सिग्मा स्क्वायर f4 फाइंड करना है तो ये किस तरह फाइंड करेंगे. देखो सिग्मा स्क्वायर के कॉलम में आ जाएंगे. अब देखो f4 यहां पे कहां पे? ये वाला. तो देखो ये जो वैल्यू आ रही है, देखो यहां पे ये हो गया f4. फिर ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये कौन सी है? ये सिग्मा स्क्वायर f4 की वैल्यू है, यानी इससे क्या आता है? इससे आता है 8. इस तरह हम कोई भी वैल्यू आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं. ये टॉपिक समझ में आ गया तो आज का यही लेक्चर था. इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं. और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू.